अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। जाहिद भाई ये देखें कैसे बड़े शौक से ये खा रहे हैं, ये जो आपने टीएमआर भेजा ना बना के। और मेरे पास अभी तकरीबन 3 जानवर हैं, जिनमें से ये प्रेग्नेंट है बकरी, ये इसका 1.5 माह रह गया, और ये मेरा ब्रीडर बकरा माशाल्लाह, ये भी यही खा रहा है। ये देखें ये तकरीबन 4 दांत हो गया, और ये मेरी बकरी ने बच्चे दिए हुए हैं, तकरीबन इसको 22 दिन हो गए बच्चे दिए हुए, और ये भी वही खा रही है टीएमआर जो आपने भेजा। ये 2 बच्चे हैं इसके, ये बकरी है और ये एक छोटा बकरा है। ये वैसे बड़े शौक से और मज़े से खा रही, मेरा था कि शायद ये तंग करेंगी, लेकिन उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिया खाना। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, ये वीडियो भेजी है शिराज भाई ने ना लाहौर से, तो ये हमारे पुराने दोस्त हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, हमेशा मोहब्बतों से नवाजते हैं। तो ये इनके जानवर थे, तो इन्होंने ना भाई ने शुरू में मतलब ये टीएमआर डाला है, तो कुछ जानवर मतलब ऑलरेडी कड़वी खल पे नहीं लगे हुए थे, तो जानवरों ने कुछ मसला किया है इसको सूंघने में, इसको खाने में, मतलब थोड़ी सी दिक्कत इनको महसूस हुई है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने ये जानवर खा भी रहे हैं। तो वो खुद जो मालकान है वो भी बता रहे हैं कि माशाल्लाह जानवर जो है ना वो अच्छे तरीके से खा रहे हैं। जो जानवर ऑलरेडी लगे हुए हैं कड़वी खल पे, उनको तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जो जानवर कड़वी खल पे नहीं लगे हुए, क्योंकि हमने एक मान में 6 kg वो कड़वी खल डाली है, तो वो अभी जो है ना उस ये कड़वी खल जो है ये 6 kg एक मान में हो तो, और दूसरा हमने उसको बिल्कुल बारीक करके पाउडर करके डाला, क्योंकि बाकी हर चीज़ जो है वो एक ग्राइंडेड कंडीशन में है, तो उससे यह है कि इसका प्रोटीन लेवल जो इसमें बताया जाता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है जब इसको अच्छी तरह क्रश करके डाला जाता है, और बाकी इसकी जो अफादियत है वो भी बढ़ जाती है। जज़ाकअल्लाह कुमुल खैर।